हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सैफ ट्रेड। तो अभी देखा निफ्टी बैंक निफ्टी वॉच कैसा ट्रेड हुआ, अगर हम लोग इस पर कैसा ट्रेड कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का 50 में 10th चार्ट लगा हुआ है, और कल के वीडियो में बताया था कि हमें सेल साइड जाना है तो हमें इस लेवल के नीचे मार्केट मिलता है तो हम लोग सेल साइड का प्लान करेंगे, और इसके ऊपर प्राइस मिलता है तो हम लोग इसमें बाइंग साइड का प्लान करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट आज गैप ओपन हुआ है, और गैप ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आ गया, और अभी इस हाई और इस लो के अंदर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो आप देख लेते हैं आज हमें इसमें क्या क्या ट्रेड सेटअप मिला था ट्रेड करने के लिए, वो देख लेते हैं। तो लोग 5 में टाइम फ्रेम पाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट ने यहाँ पे पहले इस लो का आज के लो का ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला था। ये फ्यूचर चार्ट में नहीं मिला था, वो स्पॉट के चार्ट में बहुत ईजी मिला था, वो आपको दिखाया था। ये स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पाते हैं। क्या है कि हम फ्यूचर और स्पॉट चार्ट दोनों मार्केट में देखते रहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला था, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देख सकते हैं आप, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से हमें एक ट्रेड मिला था। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट हमारा इस लो तक का था। तो ये ट्रेड बहुत ही सीधा स्ट्रेट ट्रेड मेरे को मिला था निफ्टी में, 7 रिस्क रिवॉर्ड इसका है। और देखिए इसमें क्या कैसे एंट्री था, यहाँ पर डे लो का इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया। ये अगर आप 3 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम देखिएगा तो पता चलेगा कि मार्केट ने एक हाई लगा के यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया, और मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एंट्री हुआ रिट्रेसमेंट पर, और यहाँ पे हमारा टारगेट था नीचे लिक्विडिटी का। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल्स है, तो उसके लिए हम लोग आए थे फ्यूचर चार्ट पे। तो ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, इसको हम लोग 50 में टाइम फ्रेम कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग मार्केट जो है वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, मार्केट स्विंग बनाते हुए आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने इस 50 में ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर चुका है, ये देखिए अभी जो एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ मार्केट में वो अभी मिटिगेट होना बाकी है, स्पॉट मिटिगेट हो चुका है। स्पॉट में मिटिगेट करने के बाद भी यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल चुका है, लेकिन फ्यूचर चार्ट में हमें एक मिटिगेशन नहीं मिला। तो अगर मान लीजिए प्राइस अगर कहीं इस लेवल पर कहीं खुलता है, इस ऑर्डर ब्लॉक में खुलता, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा डायरेक्ट ये लो, यहाँ पे टारगेट मार्क कर देते हैं, यहाँ पे आपको इजी रहेगा। ये जो मैंने लेवल लगाया है ये हमारा टारगेट रहेगा 18,036 का फ्यूचर चार्ट में। ये प्राइस ये लेवल निकलता है तो फिर हमारा टारगेट आएगा नेक्स्ट ये लो का, ठीक है। इसका क्या आ रहा है लेवल ये देख लीजिए 17,973, ये भी निकलता है तो हमारे पास फिर ये टारगेट आएगा, क्योंकि मार्केट जो अभी इस हाई और इस लो के स्ट्रक्चर के अंदर ही चल रहा है, तो ये सब तीनों हमारा टारगेट है। एक बहुत ही बड़ा फॉल आने वाला है मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है अभी वो बायर्स को बहुत ज्यादा ट्रैप कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पाइएगा, तो यहाँ से सेलिंग आया था मार्केट में, प्राइस फिर यहाँ पे गया, यहाँ से फिर हमें सेलिंग देखने मिला इस लेवल से, प्राइस फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर से मार्केट में सेलिंग आई है। तो ये लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक प्राइस नीचे इस लेवल को अच्छा से मिटिगेट नहीं कर देता, इस लेवल को अच्छा से लिक्विडिटी नहीं लेता है, तब तक प्राइस रुकेगा नहीं, वो यहाँ तक आएगा। दूसरा चीज आपको ये दिखा दे, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो मार्केट ने यहाँ से इस लेवल इस हाई का ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है 17,446 तक, क्योंकि इसका मिटिगेशन अभी बाकी है, प्राइस ने इसका रिट्रेसमेंट नहीं किया है जब से इसका ब्रेकआउट मिला है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए इस लेवल तक, फिर प्राइस ऊपर चला जाए। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट जो की 17,400 के आसपास है, तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है आने वाले टाइम में। फिलहाल हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं, तो कल के लिए हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो ये तीनों लेवल है। प्राइस अगर हमें कहीं इस जगह पे मिलता है तो हम लोग इसमें इजी शॉर्ट सेल जा सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के ठीक ऊपर रहेगा और टारगेट आपके सामने है। मान ली प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है तब फिर यहाँ पे कुछ कह पाना मुश्किल है, फिर हम लोग को लाइव मार्केट में करना पड़ेगा एनालिसिस, उसमें जो स्विंग क्रिएट होगा उसी में हम लोग एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे। बट अगर प्राइस यहाँ खुलता है तो हम लोग यहाँ से इजी ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड का। तो ये हो गया एनालिसिस निफ्टी का, देखा बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड हुआ, कल लोग उसमें कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 50 में टाइम फ्रेम चार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी भी आज गैप अप ओपन हुआ था, और बैंक निफ्टी में भी काफी बड़ा फॉल हम लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहले हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में बड़ा फॉल क्यों आ सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइस का हाई लगा है, यहाँ पे लो लगा है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है जो कि अनमिटिगेटेड था, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, प्राइस ऊपर गया, आज इसमें मिटिगेशन मिला इस ऑर्डर ब्लॉक में, प्राइस यहाँ से डायरेक्ट फॉल हो रहा है। यहाँ देखिएगा तो हमें एक एम पैटर्न भी देखने को मिलेगा, ये एक एम पैटर्न मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है आज। तो अगर प्राइस हमें कल इस लेवल में मिलता है तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, उसके लिए हम 50 में टाइम फ्रेम पा देते हैं पहले, तब आपको अच्छे से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देगा। देखिए तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, अगर हमें इस लेवल पे कहीं प्राइस मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें सेल कर सकते हैं, टारगेट हमारा रहेगा सीधे ये लेवल जो है 42,517 का, ये लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ पे लेवल मार्क कर देते हैं। ये प्राइस ये लेवल निकलता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल जो आएगा
वो रहेगा 42,282 का। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये भी अगर निकलता है तो फिर हम लोग जितने भी स्विंग्स लो है हम लोग उसे ट्रेड के लिए मार्क कर सकते हैं, टारगेट के लिए हम लोग इसे चूज कर सकते हैं अगर सारे लेवल्स निकलते रहते हैं तो। क्या देखिएगा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो हम लोग को मिटिगेशन होने पर ही एंट्री लेना है। और बात कर ले बैंक निफ्टी मैच के ट्रेड के बारे में तो बैंक निफ्टी मैच कोई भी ढंग का ट्रेड नहीं मिला। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में मिला था बट मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड खोज रहा था बट उसमें ट्रेड नहीं मिला। मार्केट देखिएगा यहाँ से ब्रेकडाउन देने के बाद हमें यहाँ पे लास्ट में रिट्रेसमेंट मिला है और इस ऑर्डर ब्लॉक का भी ठीक से मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया है तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड आज नहीं बना है। बट देखिएगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हमें देखने को मिल चुका है बट इसमें कोई भी ट्रेड अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट अकॉर्डिंग टू मिटिगेशन हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो अगर कल अगर यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन होता है इस लेवल में इस एरिया में तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस हाई के ऊपर रहेगा। ये सब हमारे टारगेट है। वन आवर टाइम फ्रेम फिर से आते हैं हम लोग और फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइस जो है वो कहाँ तक आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से गिर रहा है और हमारा ये हाई था और ये लो था। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया है। एम पैटर्न बना है, रिट्रेसमेंट हुआ, मिटिगेशन हुआ यहाँ पे 50 मिनट और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे हमारा एंट्री होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड भी लेते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। टारगेट हमारा हम लोग इसे भी टारगेट कर सकते हैं जो कि 41,635 है। हम लोग इसे भी टारगेट कर सकते हैं अगर हम लोग इसे स्ट्रेच करके यहाँ तक लेकर आते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे यहाँ पे 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। 1,150 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमारा क्या 57.50 का सिर्फ स्टॉप लॉस है। आने वाले टाइम में हम लोग ये लेवल देखने वाले हैं बैंक निफ्टी में बिग फॉल का एक्सपेक्टेशन। अगर मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है 42,282 तक आ सकता है हमारा, लेकिन फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,500 का। तो लेवल ब्रेक होता है तो ही हम लोग को नेक्स्ट ट्रेड लेना है और हर टारगेट पॉइंट पे हमें टारगेट अपना बुक करते रहना है। तो ये हो गया एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ भी पूछना हो कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, बेल आइकन पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।